मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूं संजना। ये देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। तबू रत्नानी के कैलेंडर के लिए बिपाशा ने करवाया फोटोशूट। बॉलीवुड के फेमस फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर हॉट एक्ट्रेस बिपाशा बासु की है। दरअसल बिपाशा ने डब्बू रत्नानी के कैलेंडर के लिए फोटोशूट करवाया है। फोटोशूट की तस्वीरों में बिपाशा टॉपलेस होकर बेड पर लेटी दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को कपड़े से ढका हुआ है। तस्वीर में बिपाशा बेहद ही सेक्सी लग रही है। बिपाशा कैमरे के सामने बोल्ड अंदाज में पोज भी दे रही है। फैंस को ये फोटो बेहद पसंद आ रही है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। समर स्प्रिंग कलेक्शन के लिए जरीन खान ने किया रैंप वॉक। अक्सर आप फैशन शो में स्लिम मॉडल्स को रैंप पर वॉक करते देखे होंगे, पर एक ऐसा फैशन शो हुआ जिसे देख आप हैरान हो सकते हैं। जी हाँ, मौका था इंडिया इंटीमेट फैशन वीक के मौके पर। प्लस साइज मॉडल्स ने लॉन्जरी पहन रैंप वॉक किया और इस फैशन शो की शो स्टॉपर बनी जरीन खान। ग्लैमरस फोटोशूट चर्चा में है नया लुक। साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी शो के ऑफ एयर होने के बाद भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। टीवी एक्ट्रेस ने ग्लैमरस फोटोशूट कराया है जिसमें उनका न्यू लुक देखने को मिलता है। तस्वीर में ओवरसाइज व्हाइट शर्ट में देवोलीना का कूल एटीट्यूड देखने को मिलता है। सीरियल साथ निभाना साथिया में देवोलीना ने सीधी साधी बहू का रोल प्ले किया था, इसलिए शो खत्म होने के बाद वो अपना लगातार इमेज मेकओवर कर रही हैं। देवोलीना अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस को गोपी बहू के रोल में काफी पसंद किया गया। ये शो टीआरपी चार्ट में अच्छी रैंकिंग पर रहा था। गोपी बहू के रोल में शानदार अदाकारी कर देवोलीना ने कई टीवी अवार्ड्स अपने नाम किए। एक्टिंग में आने से पहले देवोलीना ने डांस इंडिया डांस 2 में पार्टिसिपेट किया था। वो एक अच्छी डांसर भी हैं। उनका डेब्यू शो सवारे सबके सपने प्रीतो था। साथ निभाना साथिया के बाद एक्ट्रेस को आखिरी बार टीवी शो लाल इश्क में देखा गया था। ब्रेकअप के बाद एक्स बॉयफ्रेंड के सपोर्ट में आई नेहा कक्कड़। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली संग ब्रेकअप के बाद कई मंच पर अपने दिल का दर्द बयां कर चुकी हैं। उन्होंने बीते दिनों सुपर डांसर शो में एक रोमांटिक ट्रैक सुनने के बाद इमोशनल होते हुए कहा था, मैं बहुत दुखी हूं। शो के बाद नेहा के फैंस ने हिमांश कोहली को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इसके बाद नेहा कक्कड़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सपोर्ट में उतर आई। नेहा कक्कड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने कई आर्टिकल पढ़े जो बहुत फेक और डिस्टर्ब करने वाले हैं। मैंने कहा था कि दुखी हूँ, ये नहीं कहा कि मुझे धोखा मिला है। अगर बात ईमानदारी की आती है तो वो बेस्ट है। आप सभी लोग उसे कसूरवार बनाना और गलत आरोप लगाना बंद करें। हम किसी की छवि को इस तरह खराब नहीं कर सकते हैं। बता दें कि नेहा ने ब्रेकअप के बाद लिखा था, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतने बुरे लोग होते हैं। खैर, सब कुछ गंवा कर होश में अब आए तो क्या किया। लॉन्च हुआ एंड टीवी का नया शो हप्पू की उल्टन पलटन। मुंबई में लॉन्च हुआ एन टीवी का नया फिक्शन शो हप्पू की उल्टन पलटन, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस लॉन्च में टीवी के स्टार कास्ट योगेश त्रिपाठी, हिमानी शिवपुरी, कामना पाठक, आर्यन प्रजापति, जहरा सेठ जीवाला, आशना किशोर शामिल हुए। एन टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं ने अपने अलहदा स्टोरी लाइन, डायलॉग्स और जबरदस्त अदाकारी की वजह से दर्शकों के दिलों पर खास जगह बना ली है। अब भाभी जी घर पर हैं शो और इसके किरदारों की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए शो के मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। भाभी जी घर पर है के निर्माताओं ने शो का स्पिन ऑफ बनाने का फैसला लिया है, जिसमें पॉपुलर किरदार दरोगा हप्पू सिंह की कहानी पर फोकस किया जाएगा। श्वेता तिवारी की बेटी जल्द कर सकती है टेलीविजन में डेब्यू। टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक जल्द ही टीवी पर डेब्यू करने वाली हैं। खबरों की माने तो ये शो जल्द ही ऑन एयर होने वाला है, जिसमें श्वेता तिवारी की बेटी पहली बार छोटे पर्दे पर मां की राह को अपनाते हुए दिखेंगी। पलक 18 साल की हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। पलक ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल में नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि इस शो में पलक का छोटा सा कैमियो होगा। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सूत्रों की माने तो शो के मेकर्स को लगा कि पलक इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। पलक एक नया चेहरा है और इसी वजह से वो मेकर्स की पहली पसंद बनी। मेकर्स को उम्मीद है कि दर्शक पलक और उनके किरदार को पसंद करेंगे। ये उन दिनों की बात है, मैं समीर और नैना की शादी की फोटो आई सामने।
टीवी सीरियल ये उन दिनों की बात है में आजकल जबरदस्त माहौल है। दोनों परिवार समीर और नैना की शादी को लेकर काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। आखिरकार समीर और नैना की शादी हो गई। दोनों की शादी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में दोनों परिवार के साथ ही समीर और नैना को काफी मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। दुल्हन के जोड़े में नैना यानी आशी सिंह काफी गॉर्जियस दिख रही हैं। इस सीरियल को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। शो में कई दिनों से शादी का सेलिब्रेशन चल रहा था। शो में नैना और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों को शादी के लिए अपने परिवारों को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। शो में आखिरकार समीर और नैना एक हो गए हैं। काफी समय से दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। परिवार के कुछ लोगों ने भी दोनों की शादी को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन दोनों के प्यार के आगे सभी हार गए। इंग्लैंड में हॉलीडे एंजॉय कर रही है जेनिफर विंगेट। टीवी जगत की टॉप एक्ट्रेस बेहद की माया और बेपनाह की जोया जेनिफर विंगेट को घूमना फिरना बहुत पसंद है। ये बात उनके इंस्टाग्राम से साफ जाहिर होती है। जेनिफर विंगेट इन दिनों इंग्लैंड में अपने दोस्तों के साथ बढ़िया वक्त बिता रही हैं। उन्होंने इंग्लैंड की खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं। वो इन तस्वीरों में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।